इस आदमी का नाम सेठ किरोड़ीमल है और ये अपने एरिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला और सबसे ज्यादा इज्जतदार इंसान है। और अब हम देखते हैं कि ये कपड़े की शॉप में जाता है। वहाँ जाते ही दुकान का मालिक इसे देख के खड़ा हो जाता है और नमस्कार करता है। बोलता है, सेठ जी आइए, बहुत दिनों बाद आना हो आपका। कोई काम था तो हमें बोल देते, हम आ जाते, आप क्यों परेशान हुए। तो सेठ जी बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है, वैसे मैं भेजना तो अपने बेटे को चाहता था लेकिन काम ही कुछ ऐसा था कि मेरे को खुद को आना पड़ा। और वैसे आपकी दुकान तो अच्छी चल रही है ना। तब दुकान का मालिक बोलता है, जी सेठ जी आपकी दया से बहुत अच्छी चल रही है और ऊपर वाले की मेहरबानी तो है ही, बाकी बताइए आप किस काम से आए थे। तब सेठ जी बोलते हैं, हाँ काम तो कुछ चलता लेकिन वैसे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है कि इस महीने मेरे बेटे की शादी है, तो मैंने सोचा कि मैं शॉपिंग भी कर लेता हूँ और इसी बहाने तुम्हें इनवाइट भी कर दूंगा क्योंकि हमारे बीच में अच्छा रिलेशन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी शादी में आना और तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली भी शादी में आनी चाहिए। दुकान का मालिक ये सुन के बोलता है, अरे सेठ जी इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि आप खुद मुझे इन्वाइट करने आए, मैं जरूर आऊंगा और फैमिली को साथ में लाऊंगा। फिर सेठ जी बोलते हैं, हाँ जिस काम से मैं आया वो बात भी कर लेते हैं, वो क्या है ना कि मुझे मेरे परिवार के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए कपड़े चाहिए थे, उसकी लिस्ट भी मैं लेके आया हूँ, तो तुम एक काम करो ये लिस्ट लो और सबके लिए 4-5 बार ड्रेस पैक कर दो, जो उन्हें पसंद आएगी वो रख लेंगे, बाकी नहीं आएगी तो वापस दे जाऊंगा मैं तुम्हें। तो दुकान का मालिक बोलता है, अरे सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं 4-4 नहीं 6-6 निकाल देता हूँ, जो आपको पसंद आए वो रख लेना, जो नहीं पसंद आए वापस दे जाना, वैसे आपकी घर की दुकान है और आपकी तो इतनी इज्जत मार्केट में, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप आराम से बैठिए, पानी पीजिए, मैं अभी कपड़े निकाल देता हूँ। इतना बोलने के बाद दुकान का मालिक कपड़े निकालने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने स्टाफ को जाके बोलता है, भाई देखो सेठ जी लिस्ट है, इसमें जो भी कपड़े वो एक साथ तुम निकाल दो और जो भी है उसे पैक करके लाके मुझे दे देना। फिर हम देखते हैं कि दुकान का मालिक और वहाँ का स्टाफ वो जो लिस्ट है उसके हिसाब से अलग अलग कपड़े निकालने लग जाता है। जो स्टाफ का बंदा है वो अलग अलग ड्रेस वहाँ से लेके आता है, 2 की जगह 4 लेके आता है और कपड़े सारे एक जगह लाके रख लेता है और कुछ देर में वो ऐसे करते करते सारे कपड़े निकाल लेते हैं। सेठ जी वहीं बैठे बैठे देखते होते हैं। फिर हम देखते हैं कि दुकान का मालिक एक बंडल लाके रखता है, कुछ देर बाद स्टाफ का बंदा भी एक बंडल लाके रखता है। फिर दुकान का मालिक बोलता है, सेठ जी जो आपने लिस्ट बताई थी उसके हिसाब से सारे कपड़े आ गए हैं। उसके बाद दुकान का मालिक वहां से एक कैलकुलेटर लेता है और हिसाब जोड़ने लग जाता है कितने रुपए का हिसाब बैठा है, और हिसाब जोड़ते हुए सेठ जी वहीं बैठे बैठे देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद दुकान का मालिक सारा हिसाब जोड़ के सेठ जी को बोलता है, ये लीजिए सेठ जी आपके जितने भी कपड़े उनका 60,000 रुपए हो गया। सेठ जी बोलते हैं, अरे भाई मुझे दिखानी जरूरत नहीं, मुझे पता है तुमने हिसाब सही लगाया होगा, घर के हिसाब से लगाया होगा, अच्छा तुम एक काम करो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम्हारे जो भी हिसाब हुआ ना 60,000 रुपए तुम वो पैसे ले लो, एक काम करो। इसके बाद दुकान का मालिक बोलता है, कैसी बात करो सेठ जी, आप हमारे पुराने कस्टमर हो और आपकी मार्केट में इतनी इज्जत है, आप तो ये कपड़े ले जाओ, पैसे बाद में ले लेंगे आपसे। तो सेठ जी बोलते हैं, भाई तुम मेरी इज्जत करते हो मैं मानता हूँ लेकिन पैसों का हिसाब टाइम से हो जाए तो अच्छा है, और वैसे भी देखो मुझे शादी में कितने काम होंगे, भूल गया तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, तुम एक काम करो अभी पैसे ले ही लो। दुकान का मालिक बोलता है, सेठ जी शर्मिंदा मत करो, हम कहीं भक्के नहीं जा रहे ना आप कहीं भक्के जा रहे हो, आप शादी के बाद आराम से पैसे दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक काम करो चलो मैं गाड़ी में लोड करता हूँ सामान। तो सेठ जी बोलते हैं, चलो ठीक है भाई ऐसा कर लेते हैं लेकिन सुनो मेरी बात, ये सामान गाड़ी में लोड करवा दो और सुनो शादी में जरूर जरूर आना, भूल मत जाना। इतना बोलने के बाद सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर दुकान का मालिक स्टाफ को बोलता है, भाई ये गाड़ी में लोड करवा दो सेठ जी के। अब हम 2 महीने बाद देखते हैं कि दुकान का मालिक भाई खाते में हिसाब देख रहा था उधारी वाला, उसमें देखता है कि सेठ जी का जो पैसा था वो अभी तक नहीं लौटा, शादी हुई तो 1 महीना हो गया और अभी तक सेठ जी ने पैसा नहीं दिया, हो सकता है शायद सेठ जी भूल गए हो, वरना सेठ जी ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। फिर वो अपने स्टाफ को बोलता है, भाई सुनो तुम एक काम करो, जो सेठ जी अपने किरोड़ीमल जी उनको फोन कर लो और उनको एक बार उधार पेमेंट के लिए याद दिला दो, मैं बोलूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। तब स्टाफ वाला बंदा बोलता है, सेठ जी आप खुद कॉल कीजिए, मैं कॉल करूंगा तो बुरा मान जाएंगे क्योंकि मैं तो दुकान में नौकरी करता हूं, फिर भी आप तो बराबर के आदमी हो, आपकी खुद की दुकान है, आप उन्हें फोन कीजिए ना, और मेरे हिसाब से शायद वो ज्यादा अच्छी बात होगी कि आप उन्हें फोन करेंगे। तो स्टाफ की ये बात सुनने के बाद फिर दुकान का मालिक बोलता है, हां भाई तुम सही कह रहे हो, उन्हें फोन मुझे ही करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए। फिर वो बोलता है कि चलो मैं एक बार सेठ जी को फोन कर लेता हूं, मेरा फोन किस साइड रखा है। उसके बाद वो अपना फोन उठाता है और सेठ जी के नंबर में फोन मिलाने लगता है, और जैसे वहाँ कोई फोन उठाता है उसे लगता है कि कोई और बंदा बोल रहा था, बोलता है कि सेठ किरोड़ीमल जी से बात करनी है, उनसे बात करवा दीजिए, वो अपने एरिया में जहाँ से कपड़े खरीदते ना उसी दुकान से बात कर रहा हूँ। तो उधर से खबर आती है कि सेठ जी को तो मरे 1 महीना हो गया, उनके तो हार्ट अटैक आ गया था इसलिए वो मर गए। तो दुकान का मालिक बोलता है, एकदम से कैसे हो गया। तो उधर से उनका बेटा बोलता है कि बोले हमें भी समझ में नहीं आया, उनके हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई बस। वैसे आप बताइए आपको उनसे कुछ काम था। तो दुकान का मालिक बोलता है, हाँ वो मेरे से शादी से पहले 60,000 कपड़े लेके गए थे, बस उसी पैसों के लिए फोन कर रहा हूँ। तो सेठ जी का बेटा बोलता है, हाँ पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन आपके पास लिखा पड़ी है पैसों की। तो दुकान का मालिक बोलता है, लिखा पड़ी तो कुछ नहीं है, बस विश्वास के ऊपर दिया था, ना मैंने लिखा ना उन्होंने लिखा। तो सेठ जी का बेटा बोलता है, देखिए भाई साहब बिना लिखा पड़ी के हम कुछ नहीं दे सकते क्योंकि सेठ जी बहुत बड़े आदमी थे, ऐसे तो कोई भी आके पैसे मांग लेगा, हम किस किस को देते फिरेंगे, आपके पास लिखा पड़ी तो बताओ। तो दुकान का मालिक बोलता है, नहीं भाई साहब लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। तब सेठ जी का बेटा बोलता है, माफी चाहता हूँ भाई साहब, लिखा हुआ नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और वहां से फोन कट कर देता है। अब फोन कट होने के बाद वो सोचता है कि गलती मेरी है, सेठ जी की भी गलती नहीं है इसमें, मैंने तो पैसे लिए नहीं और मैंने कोई लिखाया भी नहीं उनसे, ये तो मेरी गलती की वजह से मेरे ही नुकसान हो गया 60,000 रुपए का। ये सब सुनने के बाद और दुकान के मालिक की हालत देखने के बाद वहां का स्टाफ बोलता है, क्या बात होगी सेठ जी, अपना पैसा आएगा अब नहीं आएगा, कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या। तो दुकान का मालिक बोलता है, भाई सेठ जी तो रहे नहीं, उनके बेटे बोल रहे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है तो हम आपको पैसे दे देंगे, अगर नहीं लिखा हुआ तो हम आपके कोई पैसे नहीं दे सकते, अब बताओ हम क्या करें। फिर स्टाफ का बंदा बोलता है, सेठ जी मैंने आपको पहले कहा था कि आप जिसको भी पैसा दो उसे लिखवा लो या खुद लिख लो, लेकिन आप लिखते ही नहीं हो, कोई भी रिश्तेदार हो कितना ही खास हो लेकिन आप पैसे के मामले में लिखा पढ़ी कर लिया करो, लेकिन आप हमेशा दूसरे विश्वास कर लेते हो, लिखा पढ़ी पे कभी नहीं करते हो, पहले लिखा पढ़ी किया करो। ये सब सुनने के बाद दुकान का मालिक बोलता है, भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हमारे पास लिखा होता ना तो आज ये नुकसान नहीं होता, लेकिन जिंदगी में एक बात जरूर समझ में आ गई अब कि आज के बाद किसी को भी सामान देंगे ना, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे जानकार हो, लेकिन बिना लिखा पढ़ी के नहीं देंगे वरना नुकसान होगा हमारा। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि आज की दुनिया में विश्वास किसी पे मत करो, सिर्फ लिखे हुए के अलावा।